हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने जो सीरीज चलाई थी एनसीईआरटी की, उसमें आपको पता है 7th और 8th की जो है साइंस के जो क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद हमारी जो 9th क्लास की बुक है उसके जो हम जो है एक्सरसाइज में बहुत ही कम क्वेश्चन हैं हमारे पास जो मल्टीपल चॉइस हैं, इसलिए हमने जो एग्जाम्पलर जो क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी ने बनाए हुए क्वेश्चन हैं जो एमसीक्यूज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे जो इन चैप्टर्स के हैं। इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। इससे पहले वही जो रिक्वेस्ट मैं आपसे हर बार करता हूँ कि हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला हमारा चैप्टर है, इसमें मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर जो पदार्थ हैं उनके बारे में। आपको पता है इस धरती पर जो भी चीज़ आप देख रहे हैं कोई ना कोई पदार्थ है, वो किसी ना किसी चीज़ से बनी हुई है, वो जो स्थान घेरती है। तो ये जो अलग अलग जो तीन जो स्टेट्स होती हैं मेन जो पदार्थ की, आपको पता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके बाद दो और अवस्थाएं हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंसंट्रेट। ये पांच जो अवस्थाएं हैं पदार्थ की जो होती हैं, जिन पांच अवस्थाओं में पदार्थ हमें पाया जाता है। तो आपको पता है जो सॉलिड है वो क्लोजली पैक्ड होता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं आपको पता है सटे हुए होते हैं, और उसकी एक निश्चित आकृति होती है और एक निश्चित स्थान वो घेरता है। इसी प्रकार से जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो थोड़े लूजली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं, इनकी कोई निश्चित जो है शेप नहीं होती। जिस पात्र में हम इनको डालते हैं लिक्विड उसी का रूप धारण कर लेते हैं, और जो गैसें होती हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, और इनको हम कंप्रेस करके लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है LPG जो सिलेंडर्स आते हैं हमारे, उनमें जो गैस होती है उसको कंप्रेस करके हम उसको लिक्विड में चेंज कर देते हैं। तो ये होता है दाब के कारण। तो ये अलग अलग जो अवस्थाएं हैं पहले हमने उनको डिस्कस किया। इसके बाद दोस्तों कुछ जो और बातें हैं, जैसे SI यूनिट है वो क्या है। तो जो SI यूनिट है जो वज़न की जो मास की वो है किलोग्राम, और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम या जिसको आयतन हम कहते हैं, उसकी जो ऐसा यूनिट है मीटर, क्यूबिक मीटर जो होती है वो ऐसा यूनिट होती है वॉल्यूम की। ये इसमें जो इस चैप्टर में है दोस्तों ये बातें दी हुई हैं। इसके अलावा इसमें जो और जो कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको हम देखते हैं। इसमें जो दिया गया है, इसके बाद जो विसरण का दिया हुआ है, डिफ्यूज़न, मिक्स होते हैं जो पार्टिकल्स। अब आपको पता है जो कुछ भी चीज़ है, जैसे हम पानी है वो लिक्विड है, उसमें जो गैप होता है उनके अंदर हम अगर चीनी डाल देते हैं तो जो गैप होता है उनके बीच में जो शुगर के पार्टिकल सेट हो जाते हैं, और इस प्रकार से वो इस जो प्रोसेस को है दोनों के जो मिलान को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न या विसरण, डिफ्यूज़न। और इसी के कारण आपको पता है जो हम हमारे घर में जब रसोई में खाना बन रहा होता है तो हम उसकी जो महक है वो हमारे तक आ जाती है, क्योंकि वो है जो गैस के अंदर जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर होते हैं, और जो खाना होता है जब गर्म होता है तो उसके जो पार्टिकल्स गर्म होके ऊपर उठते हैं और डिफ्यूज़ होने लग जाते हैं, जो हवा है हवा के अंदर सेट हो जाते हैं उसके पार्टिकल्स और हम तक पहुंच जाते हैं वो विसरण के द्वारा, जो इसको प्रोसेस को बोलते हैं। कई बार यही क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस प्रोसेस के द्वारा हम जो खाना बन रहा है रसोई में उसकी महक या उसकी जो सुगंध आती है उसको कैसे पहचान लेते हैं या कैसे हम तक पहुंच जाती है, तो ये विसरण के ही कारण होता है। इसके बाद आपको पता है जो जो अलग अलग जो अवस्थाएं हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। अगर सॉलिड है तो हम उसको लिक्विड बना सकते हैं, जैसे बर्फ है, बर्फ को हम अगर गर्म करेंगे तो वो लिक्विड में पानी बन जाएगा उसका, और उसको और ज़्यादा हम गर्म कर देंगे तो वो वेपराइज हो जाएगा, मतलब कि उसका वाष्पीकरण हो जाएगा और वो गैस ये अवस्था में आ जाएगा। और ऐसे जी चीज़ें जो डायरेक्टली सॉलिड से, मतलब कि हमारी कोई सॉलिड चीज़ है जैसे बर्फ़ है, वो पहले लिक्विड में चेंज होगी पानी में, उसके बाद वो भाप के अंदर बदलेगी। लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसीय अवस्था में चली जाती हैं, इस जो प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन या ऊध्र्वपातन हिंदी में बोलते हैं। जैसे कपूर है, कपूर को हम गर्म करते हैं वो डायरेक्टली गैसीय अवस्था में चला जाता है, इस जो है जो परिभाषा है इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। इसके बाद दोस्तों हम इसके जो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। इसके अलावा भी इस चैप्टर में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जैसे कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं, अब जब हवा चल रही होती है, या
जब ह्यूमिडिटी होती है तो उस टाइम कपड़े क्यों नहीं जल्दी सूख पाते, तो क्योंकि आपको पता है वाष्पीकरण जो एक चीज़ होती है, वाष्पीकरण क्या होता है, जैसे कोई भी जो पात्र है उसके अंदर पानी रखा हुआ है, ये मान लीजिए इस पात्र के अंदर कोई पानी है, कोई वेसल है, इसके अंदर हमने वाटर डाला हुआ है, इसके जो ये जो ऊपर वाली सतह है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो फोर्स है उसको तोड़ देते हैं, क्योंकि जो ऊपर वाली सतह है वो थोड़ी गर्म होने लगती है, इसकी वजह से जो ये ऊपर वाले जो पार्टिकल्स ये फ्री होने लगते हैं और ये हवा में जाने लग जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाष्पीकरण। इसके कारण ही आपके कपड़े हैं वो सूख जाते हैं, और जो वाष्पीकरण है वो क्षेत्रफल जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है जब हम कपड़े सुखाते हैं तो उनको फैला के छोड़ते हैं, अगर हम उनको इकट्ठा ही रख देंगे तो जल्दी नहीं सूखेंगे, क्योंकि उनको पूरा एरिया नहीं मिल पाएगा, ज़्यादा एरिया होगा तो जल्दी वाष्पीकरण होगा, इसीलिए हम उनको फैलाते हैं। तो दोस्तों एमसीक्यू कर लेते हैं हम डायरेक्टली। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स विल इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर हम इन जो ये सेट्स दिए हुए हैं अलग अलग जो ऑप्शन में, इनमें से किसको हम गर्म करेंगे तो वो बढ़ने लग जाएगा। तो आपको मैंने अभी अभी ये बात बताई है वाष्पन वाली, कि हम अगर तापमान ज़्यादा होगा, गर्मियों में आपको पता है पानी अगर बाहर रखा है छत पे हम रख देते हैं तो जल्दी उसका वाष्पीकरण हो जाता है, बजाय कि सर्दियों में या बरसात के मौसम में, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं गर्म होके और जो फोर्स है जो उनको जकड़े हुए हैं उसको तोड़ देते हैं और वो फ्री हो जाते हैं, इसलिए वाष्पीकरण वाष्पन बढ़ेगा। इसके बाद सेकेंड जो है विसरण, हम गर्म करते हैं जैसे एक ठंडा खाना है उसका विसरण कम होता है, लेकिन हम अगर खाना बनाते हैं गर्म होता है उस टाइम तो हमें उसकी सुगंध आती है, बजाय कि अगर ठंडा खाना रखा हुआ है तो उसकी हमें सुगंध नहीं ले पाते, उसकी महक हम तक नहीं पहुंच पाती। इसके बाद गैसों का प्रसार, गैसों का प्रसार आपको पता है जितने ज़्यादा पार्टिकल्स गर्म होंगे उतने ही फ्री होंगे, कोई भी पार्टिकल्स एक जगह सेट नहीं होता है, वो मूव करते रहते हैं, लेकिन अगर उनको और ज़्यादा हीट मिलेगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा है उनकी और बढ़ जाएगी और वो फ्री हो जाए, तो इसमें थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली इसकी लैंग्वेज बता देता हूँ, कि कंप्रेशन जो होता है जो हमारे सिलेंडर्स में जो हमारी एलपीजी होती है उसके लिए इसने पूछा है, कि जो लिक्विफिकेशन की जो प्रक्रिया है, जो लिक्विफाई करके जो गैस डाली जाती है सिलेंडर के अंदर, उसके लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, उसका तापमान, उस जो प्रोसेस है उसके दौरान तापमान क्या होगा, दाब कैसा होगा। तो आपको पता है अगर गैस है उसको गर्म करेंगे तो वो ज़्यादा फैलेगी, हमें उसको कंप्रेस करना है, मतलब कि कम जगह में ज़्यादा गैस किस प्रकार से आए, तो कम से कम तापमान होना चाहिए और दाब जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा गैस उसके अंदर भरी जाएगी, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये लिक्विड के बारे में जो प्रॉपर्टी बता रहा है कि वो प्रवाह मतलब कि फैलता है, तो इसमें से जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है, तो इसमें जो हमारा जो ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन, गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। आपको पता है हम पानी चलने लग जाता है, लेकिन अगर कोई सॉलिड जो चीज़ है वो प्रवाह नहीं करती, बहती नहीं है, फ्लो नहीं करती है, तो जो कौन सी चीज़ें हैं जो फ्लो करने लग जाती हैं, गैस है आपको पता है बहुत जल्दी फ्लो होती है, इसके बाद जो लिक्विड्स हैं वो भी फ्लो करते हैं। इसमें जो अलग ऑप्शंस हैं वो तो आपको दिख ही रहे होंगे, जैसे पहला इसने कहा केवल गैसें तरल के समान व्यवहार करती हैं, गैसों के साथ साथ आपको पता है जो लिक्विड्स होते हैं जैसे पानी है वो भी तरल और प्रवाह करता है। इसके बाद इसने सेकंड में ऑप्शन दिया है ठोस तो नहीं हो सकता, वो तो उसकी जो फिक्स होती है जो शेप होती है वो। लास्ट जो हमारा ऑप्शन था केवल द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, ये भी गलत हो गया, क्योंकि जो गैस और जो द्रव है वो दोनों ही तरल के समान व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है, तो इसका तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता है वाष्पन, या इसको जो हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो प्रोसेस होती है आपको पता है, अगर किसी, हमने आपको पहले भी बताया था, अगर किसी वेसल के अंदर हमने पानी रखा हुआ है, अगर हम बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर मिट्टी के घड़े की, मान लीजिए ये मिट्टी का घड़ा है, तो इसमें से जो वाष्पन होगा, तो वाष्पन की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो सरफेस फिनोमेना है ये, तो इससे
जो पार्टिकल्स जो हैं वो फ्री होंगे, इसके कारण जो एनर्जी का जो लॉस होगा जो पानी के अंदर, तो उस जो उष्मा की पूर्ति करने के लिए जो अपनी साइड्स हैं वहाँ से ये पार्टिकल्स को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण हमें ठंडक का एहसास होता है। ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ये आता है, जो कि जो नेल पॉलिश रिमूवर है एसीटोन, वो हमारी हथेली पर रखते हैं तो हमें ठंड का एहसास क्यों होता है? तो जब उसका वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण के कारण हमारी से जो हथेली है उसके अंदर की जो गर्मी है उसको अपनी ओर जो एसीटोन है वो खींचता है, इसके कारण हमारी जो हथेली है वो ठंडी होने लग जाती है, और इसी के कारण जो है हमारे कूलर्स जो काम करते हैं गर्मियों में, और जो मिट्टी का जो है पानी वो बर्तन में ठंडा रहता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, कुछ पदार्थों को उनके गुणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको पता है, मैंने आपको शुरू में ही ये बात बताई थी कि जो सॉलिड है उसके जो पार्टिकल्स हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, उसकी एक निश्चित आकार होता है, उसके बाद द्रव आते हैं जिनमें थोड़ा गैप होता है, और जो गैसेज होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स के अंदर गैप होता है। तो इसमें इसने यही बात पूछी है, इनको मध्य जो आकर्षण बल है, जो इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जो फोर्स है, उसमें सही हमें व्यवस्था करनी है कि किस में ज़्यादा है किस में कम है बढ़ते हुए क्रम में। तो आपको पता है ऑक्सीजन एक गैस है, इसमें जो पार्टिकल्स होंगे काफ़ी दूर दूर होंगे। इसके बाद जो हमारा सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है जल, जल के अंदर थोड़ा और गैप है वो कम हो जाएगा, लेकिन जो चीनी है आपको पता है जो एक क्यूब है शुगर का क्यूब, उसके अंदर ठोस अवस्था में होता है और जो उसकी एक निश्चित आकार होता है, इसलिए हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद इसने टेम्परेचर में चेंज करवाया है केल्विन में, तो आपको पता है 0 degree Celsius इज इक्वल टू 273 point होता है, लेकिन जो 273.16 है उसको राउंड ऑफ कर देते हैं और केवल हमें 273 ही 0 degree के बराबर मान लेते हैं 0 degree Celsius। जो SI जो पैमाना है टेम्परेचर का वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, केल्विन है। तो आपको पता है अगर 0 degree बराबर है 273 तो 25 degree कितने के बराबर होगा, तो 0 + 25, तो हम 273 के अंदर 25 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 298 बन जाएगा पहला। इसके बाद सेकंड है 38 में हम 273 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा। इसके बाद जो लास्ट है उसमें भी हम 273 को जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा, और इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन 298, 311 और 339। और जब केल्विन से हमें निकालना होता है, केल्विन से मान लीजिए 339 केल्विन को हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो हम इसमें से 273 को घटा देंगे जो आ जाएगा 66 degree। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए, ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में जो रूपांतरण है वाष्पन कहलाता है। तो मैंने आपको ये जो प्रोसेस बताई थी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और जो चीज़ें डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाती हैं वो प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, सब्लिमेशन या ऊध्र्वपातन बोलते हैं, जो कपूर में होता है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। इसके बाद डाई एथाइल ईथर एसीटोन तथा एन ब्यूटाइल अल्कोहल के क्वथनांक 35 degree, 56 degree, 118 degree हैं, तो केल्विन में सही रूपांतरण कौन सा है? तो ये जो ऊपर हमने जो क्वेश्चन किया था सेम वही है, तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट करके हमें बताना है, जो 8th क्वेश्चन है ये आप देख लीजिए, इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी? तो मैंने आपको बताया था जितना ज़्यादा जो एरिया होगा उतने ही ज़्यादा वाष्पन की जो दर है वो ज़्यादा होगी, या जब तापमान ज़्यादा होगा तो उतना ही वाष्पन ज़्यादा होगा। तो इसमें जो हमें ऑप्शंस दिया हुआ है वो तापमान वाला ऑप्शन दिया हुआ है, जल के तापमान में अगर वृद्धि होगी तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, और वो जो फोर्स जो उनको जकड़े हुए है उसको वो तोड़ देंगे, उसको ओवरकम कर जाएंगे, मतलब कि उससे पार पा जाएंगे वो, और फ्री हो जाएंगे जो सरफेस से कुछ पार्टिकल्स ऊपर उठने लग जाएंगे, हवा में चले जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं वाष्पन। तो इससे जो पहला ऑप्शन है वो हमारा सही है। इसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? तो दूरी का बढ़ना कब होता है, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा तो जो पार्टिकल्स हैं, जैसे पहले सॉलिड है, ये बर्फ़ है, इसको हम गर्म कर देंगे तो जो ये पार्टिकल्स हैं इनका गैप ज़्यादा हो जाएगा और ये लिक्विड की फॉर्म में आ जाएंगे, और इसको और ज़्यादा तापमान हम देंगे तो ये उसका जो गैप है और बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। तो इस प्रकार से यही बात इसने पूछी है कि हाइड्रोजन के जो अणु हैं उनके बीच में दूरी कब बढ़ेगी। तो आपको पता है जो ये जो ऑप्शन है सेकंड और थर्ड वाला, ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि रिसाव अगर होगा, आपको पता है अगर कोई बर्तन है उसके अंदर पांच जो पार्टिकल, दो तीन लगा लीजिए, तीन पार्टिकल्स हाइड्रोजन के हैं, अगर इसमें से रिसाव हो जाएगा तो अगर ये पार्टिकल यहाँ से रिसाव होता है तो बाहर चला जाएगा, तो बाहर जाने से क्या होगा, केवल हमारे जो बर्तन था उसके अंदर दो ही हाइड्रोजन के पार्टिकल बचेंगे, तो ये जो गैप था इनके अंदर ये बढ़ जाएगा। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो भी हमारा सही है, क्योंकि अगर हमारा बर्तन था उसके अंदर, पहले हमारे पास छोटा बर्तन था उसके अंदर तीन पार्टिकल्स थे, तो इनके जो बीच में जो अंतर है वो कम था, लेकिन हम अगर इस बर्तन के जो आकार है इसको बढ़ा देंगे तो जो इनके बीच का जो है गैप है वो ज़्यादा हो जाएगा, जो ये गैप है। तो इस प्रकार से हमारे जो इस चैप्टर के जो हमने 10 क्वेश्चन है वो कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और हम जल्द ही आपको दूसरा वीडियो भी इसी का प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आपकी जो बुक है 10th की भी, उसके भी जो अच्छे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो इम्पोर्टेंट है उनको भी हम कवर करवाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ज़रूर हमारे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।